टोक्यो ओलंपिक का आज 12वां दिन है। लगातार पिछले 12 दिन से भारतीय टीमों का प्रदर्शन बेहतर अच्छा रहा है। हॉकी सेमीफाइनल में भारत की हार यहां पर हो गई है, निराशा हाथ लगी है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया है। हार यहां पर हॉकी टीम की हुई है। भारत की ओर से किए गए 2 गोल, फिलहाल 2 गोल के बाद 5-2 से हॉकी टीम हार गई है। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जो मुकाबला चल रहा था वहां पर जाने से चूक हो गई है। टोक्यो ओलंपिक आज 12वां दिन है। सुबह सुबह निराशा भारत के हाथ लगी है। हॉकी सेमीफाइनल में भारत की हार हुई है। हालांकि हॉकी टीम से लगातार पदक की उम्मीद जताई जा रही थी, अगर वो ये सेमीफाइनल जीतते तो एक पदक और भारत का पक्का होना था, लेकिन अब भारतीय टीम ने 2 गोल किए लेकिन बेल्जियम ने उसको हरा दिया है। भारत की हॉकी टीम को यहां पर एक निराशा हाथ लगी है, पदक से चूक गई है भारतीय हॉकी टीम। आपको बता दें कि 5-2 से बेल्जियम की टीम ने हॉकी टीम को हराया है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर हॉकी सेमीफाइनल में भारत की हार हो गई है, ये निराशा भरी खबर हाथ लगी है। क्योंकि अगर ये हॉकी टीम यहां पर जीतती, सेमीफाइनल क्रॉस करते, तो एक पदक जो है वो भारत का और पक्का हो जाता, लेकिन अब इस पदक से भारतीय हॉकी टीम चूक गई है। हालांकि उम्मीदें कांस्य पदक के लिए बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल में हार हुई है वो भारत के लिए काफी निराशापूर्ण है। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया है। पदक की विजेता, पदक की उम्मीदवार दावेदार मानी जा रही थी अभी। हालांकि कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम खेलेगी सेमीफाइनल में। हालांकि हार का सामना भारतीय हॉकी टीम को करना पड़ा है। टोक्यो ओलंपिक का आज 12वां दिन। हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियोटीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।